फिल्मों में आप जितने भी कलाकारों को देखते हैं, ये कलाकार ज्यादातर अपनी इमेज के विपरीत होते हैं, बिल्कुल उल्टा। जिन्हें आप खलनायक की भूमिका में देखते हैं, ज्यादातर वो कलाकार शरीफ होते हैं, और जिन्हें आप हीरो की भूमिका में देखते हैं, उसमें से ज्यादातर कलाकार चालू है, ज्यादातर, सब नहीं। प्राण साहब की बात ले लीजिए। प्राण साहब अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही शरीफ और सज्जन इंसान है, लेकिन जब वो खलनायक की भूमिका निभाते थे तो लोग उन्हें देखकर ही डर जाते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि प्राण है ही बुरे इंसान, लेकिन सच्चाई ये कि वो बहुत शरीफ इंसान है। आज मैं जिस कलाकार के बारे में बता रहा हूँ वो भी ऐसे ही है। फिल्मों में आप उन्हें चिल्लाते हुए फाइट करते हुए देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत शांत स्वभाव के। मैं यह बात कर रहा हूँ बॉलीवुड स्टार सनी देओल। सनी देओल जितना फिल्मों में एक्शन करते, जितना गुस्से में दिखते, निजी जिंदगी में उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग। सनी देओल एक शांत स्वभाव के इंसान, किसी की अच्छाई बुराई में पड़ते ही नहीं है, और बुराई में तो बिल्कुल नहीं। बड़ी से बड़ी बात को वो आसानी से झेल जाते, शांति से उस चीज को बर्दाश्त करते थे। लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर वही फिल्मी रूप दिखा देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की, जिस जमाने में वो फिल्म स्टार नहीं बने थे। बेताब की शूटिंग चल रही थी, इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। उस समय तक लोग सनी देओल को धर्मेंद्र के बेटे के रूप में जानते थे, सनी देओल स्टार के रूप में नहीं जानते। तो हुआ यूं कि एक दिन सनी देओल अपने चार पांच दोस्तों के साथ रात के वक्त किसी पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल भरवाने। वहीं चार पांच गुंडे टाइप के लड़के दिखे और उन्होंने धर्मेंद्र पुत्र सनी देओल को छेड़ना शुरू कर दिया। शांत स्वभाव के सनी देओल ये सब बर्दाश्त करते रहे। जब सनी देओल शांत थे तो उन गुंडों का हौसला और बढ़ गया, वो और बदतमीजी करने लगे और करने लगे। और जब सनी देओल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कार से निकले और इन चारों पांचों की पिटाई करने लगे। अकेले ही सनी देओल ने चार पांच गुंडों की अच्छी तरह पिटाई करी। वो चार पांच गुंडे जो बहुत ताकतवर समझ रहे थे अपने आप को, गुंडागर्दी कर रहे थे, वो भागते हुए नजर आए, और वो चार पांच दोस्त जो सनी देओल के साथ थे वो कार में ही बैठे थे। तो ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा, जब सनी देओल ने गुस्से में आकर रियल फाइट कर बिना फाइट डायरेक्टर के गुंडों को मार भगाया। तो इसलिए कहते हैं दोस्त, कभी किसी शांत आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर का अगर सनी देओल जाग गया तो फिर 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा और आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। तो दोस्तों ये था बॉलीवुड का छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों से, उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।